में ऐसा रखना है, ठीक है, ऐसा ये देख रहा है, ये कवर है, जब तक इसको दबाएगा नहीं ना, अगर चाय कॉफ़ी का सर्विस कैसे करते हैं आज हम बताएंगे, प्रॉपर तरीका से बताएंगे, ध्यान देना, ठीक है, एकदम बेसिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। प्रैक्टिकल पहले मैं कराऊंगा, पहले मैं बता देता हूँ बरवली कि कैसे करते हैं, ठीक है। जब भी ऑर्डर रहेगा चाय कॉफ़ी का तो दो तरीका से सर्विस होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे सर्विस करते हैं हम पेंट्री में तो डायरेक्ट कप में डाल के डायरेक्ट हम सर्विस कर देते हैं, ठीक है। मीटिंग रूम में गेस्ट बैठा है, जैसे बैठा है तो इसके राइट हैंड साइड से हम सर्विस करते हैं, जितना भी बेवरेज आइटम है, टी कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सब हम राइट हैंड साइड से सर्विस करते हैं सारे आइटम्स, ठीक है। तो टी कॉफ़ी भी राइट हैंड साइड से सर्विस करेंगे। तो एक जैसे बताया मैंने कि टी भर लिया, मग रहा तो कॉफ़ी भर लिया, ठीक है, टी और कॉफ़ी दोनों भर के डायरेक्ट हम कप सर्विस कर सकते हैं, वो पेंट्री में होता है। बट अगर टेबल पे सर्विस करना है तो हमेशा हमको ये जो है, ठीक है, ये है तुम्हारा टी पॉट है ना, इसको क्या बोलते हैं, टी पॉट, कॉफ़ी पॉट, जो भी बोलो, एक कॉफ़ी पॉट भी होता है, वो अलग ही टाइप का आता है। तो ये हम इसमें लेंगे क्या, अगर हमको चाय कॉफ़ी ऑर्डर किया है तो सब सेपरेट लेके जाएंगे, ठीक है। हमको सर्विस करना है मीटिंग रूम में तो कौन क्या चीज़ ऑर्डर करेगा वो हम पहले ऑर्डर ले लिए तो ठीक है ना, तो भी हमको सेपरेट लेके जाना है। अगर नहीं ऑर्डर लिया तो हम क्या करेंगे, इसमें ब्लैक टी डालेंगे, कौन सा ब्लैक टी, मतलब काला टी, ठीक है, सिर्फ डिप किया हुआ टी ब्लैक टी रहेगा। उसके बाद ये जो है इसको क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, इसको मिल्क क्रीमर बोलते हैं, ठीक है, इसको मिल्क क्रीमर बोलते हैं, जिसमें सिर्फ मिल्क रहेगा, ठीक है, इसमें मिल्क रहेगा। एक दूसरा साइज का आता है, इतना सा आता है ऐसा, ठीक है, वो दूसरा साइज होता है, उसमें भी मिल्क होता है। ये क्या है, शुगर बेसिन, अभी शुगर कैडी बोलते हैं, शुगर बेसिन बोलते हैं इसको। अभी क्या है, हमने ब्लैक टी ले लिया, मिल्क ले लिया, उसके बाद क्या लिया, शुगर ले लिया, तीन आइटम हो गया। अभी हमको और क्या ज़रूरत पड़ेगा, इसमें किस में सर्विस करेंगे, कप एंड सॉसर एंड क्या रहेगा, टी स्पून है ना, कप सॉसर एंड टी स्पून, तभी तो हम सर्विस करेंगे ना। सर्विस करेंगे तो पहले हम उसको ब्लैक टी सर्विस करेंगे, उसके बाद मिल्क डालेंगे, ठीक है, मिल्क डालेंगे, उसके बाद शुगर रहेगा, हम टेबल पे शुगर डाल देंगे मिडिल में, उसके बाद गेस्ट अपने हिसाब से शुगर डाल के वो स्टर करके और कंज्यूम करेगा, चाय कॉफ़ी पिएगा। ये प्रोसेस है तुम्हारा टी कॉफ़ी का, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, एक बार मैं बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। अगर सिंगल है बैठा हुआ तो सिंगल लेके जाना है कप सॉसर, चार लोग बैठे हैं, उसके गेस्ट कितने लोग बैठे हैं उसके हिसाब से हमको ट्रे में उठाना है, ठीक है। ट्रे में कैसे उठाना है ना, तो हटा सकते हो है ना, ये सलवर पकड़ने का तरीका जैसे बताया था है ना, ये उंगली में ऐसा रखना है, ठीक है, ऐसा रख के फिर हमेशा सलवर में जो भी आइटम हैवी रहेगा, भारी रहेगा है ना, उसको इस साइड में रखना है। जैसे अगर ये हमारा हैवी है, हैवी मतलब समझता है ना, भारी सामान, मग है, सॉरी कप, टीपॉट है, तो टीपॉट को आगे इधर रखना है, ठीक है, और इसको बैलेंस बना के रखना है, मिल्क यहाँ रखना है और टी स्पून, टी कप इधर ये साइड में रखना है, टी स्पून सबसे लास्ट में ऐसा रखना है, ठीक है ना, ये इसको बीच में रखना है, बीच में, बाकी टी जितने भी कप रहेंगे ऐसा तीन चार आएंगे, तीन चार रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इधर आएंगे, ठीक है, देखो ये सर्विस करने का तरीका होता है ना, ये दाहिना पैर आगे होना चाहिए और ये ऐसा होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, गेस्ट के ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये साइड में ऐसा रखना है। उसके बाद एक्सक्यूज मी सर पूछना है सर से, ठीक है,
क्या योर टी कॉफ़ी या जो भी पूछना है जो ऑर्डर किए हैं, सर दिस इज योर टी, हैव यू ऑर्डर फॉर टी कॉफ़ी। सबसे पहले क्या करना है, ये शुगर बेसिन को बीच में रख देना है, ठीक है, समझा, शुगर कैडी को बीच में रखना है। उसके बाद कप रखना है, सॉसर रखना है, ये है ना, टीस्पून रखना है, इनके सामने रख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तुमको कॉफ़ी सॉरी चाय सर्विस करना है ना, इसमें चाय सर्विस किया, देखो कहाँ भी रखा है, ग्लास भी है बीच में, ठीक है, और भी सामान रहेगा, उसके हिसाब से ही करना है। इधर से लोगे तो वेटर रहेगा, अगर इधर से लोगे तो उसका हाथ रखा है या कुछ भी है तो उसके ऊपर अगर टच हुआ है गर्म रहेगा, चाय का केटली गर्म होता है, ठीक है, अगर हाथ पे लग गया तो उसके लिए भी बोलेगा। तो इसको हम ऐसा घुमा के सर्विस करेंगे, अगर इधर बैठा है एम्प्लॉय एक गेस्ट, अगर दूसरा गेस्ट बैठा है तब हम जाके एक्सक्यूज मी सर के बोल के वो हाथ हटाएगा तो फिर हम यहाँ से सर्विस कर सकते हैं, अगर खाली है तो घुमा के आराम से सर्विस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा देखो, ये जो है ना अंगूठा, ये देख रहा है, ये कवर है, जब तक इसको दबाएगा नहीं ना, अगर नहीं दबाया तो गिरने का चांस होता है, कभी कभी वो अटकता नहीं है तो गिरने जाता है। ये अंगूठा और ये देख रहा है कैसे मैंने पकड़ा है, ये पकड़ने का भी तरीका होता है, एक उंगली से सिर्फ पकड़ा है और दोनों ऐसा कवर करके रखा है, देखो, ठीक है। तो ऐसा पकड़ के इसको ऐसा डालना है, ठीक है, सर मिल्क ऑल्सो, हाँ, तो थोड़ा सा मिल्क एकदम लाइट है ना, अगर ज़्यादा बोलेंगे तो ओके सर, है ना, देख ये ऐसा सर्विस कर दिया। उसके बाद क्या बोलना है लास्ट में, इन्जॉय योर टी सर, है ना, इन्जॉय योर टी सर, ऐसा बोल के हमको जाना है, इन्जॉय योर टी, ये तो बताए बोल ही सकते हो, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, चाय का आनंद लीजिए सर, हाँ चाय का आनंद लीजिए सर, ठीक है, हिंदी में बोले तो, ठीक है, और इंग्लिश में बोलेगा तो इन्जॉय योर टी सर, ठीक है, यही प्रोसेस है, समझा। फिर हम अपना यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, अभी प्रैक्टिकल तुम लोग भी करोगे, है ना, हाँ, कौन करेगा, आ जाओ, किसको समझ में आ गया, किसको समझ में आया, बस आया समझ में।